बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम टू द आयशा व्लॉग। तो आज हम लोग निकल गए नासिक के लिए और ये पलपी पीने का बहुत ज़्यादा मन है मेरा, पर हस्बैंड ने मुझे मना कर दिए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और टॉन्सल में बहुत दर्द है, इसलिए मना कर दिए। और फाइनली हम लोग नासिक रोड स्टेशन पहुँच गए। तो यहाँ पर कुछ हम शॉपिंग करेंगे थोड़ी बहुत और फिर उसके बाद में हम सीधा जाएंगे मम्मी के घर। तो अभी पहले हम लोग मेरी ननद के घर पे है और उसके बाद में मम्मी के घर जाएंगे। तो मैं आपको सीधा मम्मी के घर पर मिलती हूँ। फाइनली हम लोग आ गए अभी मम्मी के घर पे और यहाँ पर मम्मी कुछ हमारे लिए स्नैक रेडी कर रहे हैं। पता नहीं इस रेसिपी का नाम क्या है, बस उन्होंने बनाए तो मैंने सोची कि मैं थोड़ा सा आपके साथ में एक क्लिप भी शेयर कर लेती। तो यहाँ पर उन्होंने मैदे की रोटी बनाए ऐसे गोल और उसके अंदर ये फिलिंग करे आलू की और उसके ऊपर फिर से एक मैदे की रोटी रख के उसको वो बेलेंगे और उसके बाद में उसको गोल गोल ढक्कन से ऐसे कट कर लेंगे। तो बहुत अच्छी लग रही थी ये रेसिपी देखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पर मम्मी ने इसको ढक्कन से गोल गोल कट कर लिए और इसको फ्राई कर रहे थे वो, तो गरम गरम खाने में इतने टेस्टी लग रहे थे ना कि मैं क्लिप बनाते बनाते ही वहाँ पे खाना शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद मम्मी ने अच्छे से रेडी करके फिर हस्बैंड को दिए मेरे खाने के लिए, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। और भाई जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मैं ब्लॉग का शूट ले रही थी। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद में मतलब हम लोग बाहर निकल गए, आयशा में और उसकी खाला। थोड़ा सा वहाँ पे इतनी अच्छी ग्रीनरी लग रही थी ना, तो वो देखने के लिए निकले जो कि मुंबई में कभी नज़र नहीं आती। और आयशा को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आयशा भी हमारे साथ में आई और वो जो गोट है और बकरी मेंढी जो भी है ना उसको देख देख कर इतनी खुश हो रही और उनसे बातें कर रही है आयशा। तो इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ रॉक एंड रोल्स। यहाँ पर बहुत अच्छा रोल बहुत फेमस है यहाँ का और कोल्ड कॉफ़ी भी। तो ज़िद करके मैंने यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ले ली क्योंकि हस्बैंड ने मना करे थे मुझे ठंडी चीज़ से, और फिर भी मैंने ले ली। और आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।